हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए न्यू टॉपिक लाया हूँ। आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखें, जो दोस्त जल्दबाजी में खाना खाते ही बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, ये उनके लिए है। देखें, खाना खाते साथ ही हम बिस्तरी के कितने नुकसान हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने खाना खाया, आपके पेट में मसाने में वो खाना ताज़ा उतरता है तो वो अपनी जगह बनाता है, वो अपनी ग़िज़ा की जगह पे पहुंचने पर टाइम लगाता है। तो कोशिश करें आप कम से कम तकरीबन खाना खाने के ठीक 20 मिनट बाद, आधा घंटा, इतनी देर सब्र करें। वो अपना खाना, ग़िज़ा अपनी जगह पे पहुंचेगी, वो अपनी ताकत हर नस में पहुंचाएगी। उसके बाद आपका बिल्कुल माइंड बनेगा, जेन बन जाएगा। देखें, ये काफ़ी सारे दोस्तों से मैंने सुना है, यार मेरे मसाने में दर्द हो रहा है, मेरे मसाने में जैसे सूजन सी हो रही है। तो इन चीज़ों के लिए एहतियात ज़रूरी है। आज आप एहतियात करेंगे तो पूरी ज़िंदगी खुशहाली के साथ गुजार सकेंगे। देखें, ये चीज़ आपकी है, ये आपके हक में है, औरत ये आपका हक है। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में अपना नुकसान करेंगे, उसका भी नुकसान, उसको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन इस सूरत में खाना खाने के बाद फौरी अगर आप मिलते हैं, उसमें आपके कितने नुकसान आते हैं ये आप जान लें। सबसे पहला नुकसान आपका नफ्स, वो मज़ा आपको भी नहीं देगा, उसको भी नहीं देगा जो फौरन खाना खाने के बाद आप करेंगे। तो ठीक है, मज़ा आता है तो कोशिश करें आप खाना खा लिया, आधा घंटा वेट कर लें, नो टेंशन। उसके बाद आप आधे घंटे के अंदर अंदर आपका माइंड भी बन जाएगा, आपका खाना अपनी दुरुस्त जगह पर पहुंच जाएगा, उसकी ताकत हर नस में, हर रग में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप कोशिश करनी है कि जब आपने खाना खा लिया, उसके बाद अपना जहन गंदा जहन नहीं करना, थोड़ा जहन को साफ़ रखना है कि आप सुकून के साथ अपना वो आधा घंटा पूरा कर सकें। वो शैतान है, ये तो गलबलाता है इंसान को। तो लिहाजा मैं आपके फ़ायदे की बात ही करी है, आप कोशिश करना, इस पे अमल करना, आपको यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और उसके साथ लाइक भी कर देना। मैं आपको आगे नई वीडियो, इससे भी अच्छी वीडियो आपको बताऊंगा आपके फ़ायदे के लिए। ओके, बाय।